नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जीन आपके साथ। और कोरोना को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जिसको लेकर प्रशासन कड़ी तैयारी में जुट गया है। वहीं बढ़ते कोरोना मरीज को लेकर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने कहा कि हम संभावित एरिया से सैंपल बहुत ले रहे हैं। वहीं 200 सैंपल की पर डे लोकल लैब में जांच की जा रही है, जिसकी संख्या बढ़ाने के लिए 2 लैबों को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें सेंट्रल लैब और अरविंदो की लैब शामिल है। वहीं अरविंदो की लैब में देखने के लिए जा रहा हूं। भाई देखिए, संख्या जो बढ़ रही है वो हम लोग सैंपल्स भी बहुत ले रहे हैं, और सैंपल्स के निरंतर हमारी चूँकि लोकल लैब है और उसमें लगातार हम लोग 200 सैंपल पर डे जांच कर रहे हैं, और जिसकी क्षमता हम फर्दर बढ़ाने जा रहे हैं। इंदौर की 2 लैब से हम लोग और काम कर रहे हैं कि उनमें बहुत जल्दी परीक्षण की उनको अनुमति मिल जाएगी। और सेंट्रल लैब है और अरविंदो की लैब है, अरविंदो की लैब में देखने भी जा रहा हूँ। तो अगर इन लैब में परमिशन मिलती तो हमारी क्षमता लगभग 500 टेस्ट तक भी जाने की संभावना है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, खासकर उन एरियाज़ में जो कि अभी कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहाँ पे एपी सेंटर्स हैं, उन जगहों पे अगर जो भी सिम्टम्स वाले मरीज अगर हम पहले निकाल पाएंगे तो निश्चित रूप से उनको सेव लाइफ सेव कर पाएंगे हम लोग उसमें। तो हम लोग इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि केसेस कितने निकल रहे हैं, मेन बात यह है कि हम कितनी जल्दी उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन एरिया से उनसे फर्दर इन्फेक्शन होने से बचा पाए, इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग को ये अनुमान था कि इस प्रकार से नंबर्स जो आए हैं वो बढ़ेंगे इसमें, और अब आप देखिए ज़्यादातर कई डिस्ट्रिक्ट्स में नंबर्स धीरे धीरे आते जा रहे हैं उसमें। तो हम इसकी पूरी जो उसकी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हमको उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपल स्क्रीनिंग, सैम्पलिंग, सैंपल टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिव आता है उस पर जो प्रोटोकॉल, सब कुछ हम लोग उसमें एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस और जो होना चाहिए उसको कर रहे हैं हम लोग। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।